आपदा प्रबंधन के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए सोलन के ऐतिहासिक ठोडो मैदान में हाफ मैराथन का आयोजन किया गया। इस मैराथन में सोलन के युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। वहीं जिला पुलिस अधीक्षक मधुसूदन शर्मा ने हाफ मैराथन में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने हरी झंडी दिखाकर रैली का शुभारंभ किया। इस मैराथन में दर्जनों युवक युवतियों ने भाग लिया, जिन्हें पहले आपदा प्रबंधन की जानकारी दी गई। जिला पुलिस अधीक्षक मधुसूदन शर्मा ने बताया कि हाफ मैराथन का आयोजन नेहरू युवा केंद्र द्वारा किया गया है। इस मैराथन से युवाओं को शहरवासियों को आपदा प्रबंधन के बारे में जागरूक किया जा रहा है, जिसके चलते सोलन के ऐतिहासिक ठोडो मैदान में युवाओं, महिलाओं और पुरुषों ने मैराथन में भाग लिया। इस रैली का मुख्य उद्देश्य शहरवासियों को जागरूक कर आपदा के समय में उन्हें क्या कदम उठाने चाहिए, इस बारे में महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाना है। घाट में महिला बहुतकनीकी संस्थान में प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने औचक निरीक्षण किया। औचक निरीक्षण के दौरान राज्यपाल ने तकनीकी संस्थान के विभिन्न विभागों का दौरा किया। उसके पश्चात वे छात्राओं से भी मिले और उनसे संस्थान के बारे में जानकारी भी हासिल की। राज्यपाल ने उनसे कई प्रश्न भी पूछे, जिसका छात्राओं ने स्टिक उत्तर दिया। वहीं राज्यपाल ने उन्हें महात्मा गांधी द्वारा दिखाए गए रास्ते पर छात्राओं को चलने के लिए प्रेरित किया और उनकी जीवनी पढ़ने के लिए सुझाव भी दिया। राज्यपाल ने छात्राओं को स्वच्छता का संदेश भी देते हुए कहा कि आसपास के क्षेत्र को स्वच्छ रखने या तन से स्वच्छ रहने से कुछ नहीं होता, बल्कि साथ में मन को भी स्वच्छ रखना अति आवश्यक है, क्योंकि जिसका मन साफ होता है वे जीवन में सफलता की ऊंचाइयां छूता है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण अनुशासन है। जो विद्यार्थी अनुशासन में रहना सीख जाता है, सफलता उसके हमेशा कदम चूमती है। कसौली में आयोजित खुशवंत सिंह लिट फेस्ट में 370 पर चर्चाओं के बाद बजरंग दल का धरना प्रदर्शन करना, वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार का 370 पर बयान देने के बाद अब इस कड़ी में एक नया मोड़ देखने को मिला है। खुशवंत सिंह लिट फेस्ट के दौरान भाग लेने पहुंचे लेखकों साहित्यकारों के खिलाफ कसौली थाना में एक शिकायत दर्ज की गई है, जिसमें लेखकों द्वारा 370 को हटाने, गलत बताने और केंद्र सरकार के फैसले पर माफी मांगने के बारे में चर्चा की गई थी। आपको बता दें कि कसौली में आयोजित 8वां खुशवंत सिंह लिट फेस्ट के दौरान धारा 370 हटाने को गलत बताने, केंद्र सरकार को इस फैसले पर माफी मांगने, धारा की दोबारा बहाली की पैरवी करने, पाकिस्तान की पैरवी करने, मॉब लिंचिंग के मुसलमानों के साथ होने के दावे करने वाली लेखिका व साहित्यकार तबलीन सिंह, लेखक राधा कुमार, साहित्यकार सादिया देवली व उनके साथ आए अन्य वक्ताओं द्वारा इन विषयों पर चर्चा की गई थी। जिसके बाद बजरंग दल और हिंदू परिषद के लोगों ने इसका खंडन भी किया था। शिकायतकर्ता बजरंग दल के प्रांत सह संयोजक पवन समेला, देवेंद्र चंदेल जिला से, सुरक्षा प्रमुख बजरंग दल मुकेश काटला जिला से अखाड़ा प्रमुख, बिशप हिंदू परिषद शिमला हिमाचल प्रदेश कृष्ण डोडा BHP सुरेंद्र कुमार जिला अखाड़ा प्रमुख बजरंग दल, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठाई है। वही मामले की पुष्टि करते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर शिव कुमार शर्मा ने कहा कि कसौली में आयोजित हुए लिट फेस्ट में धारा 370 के बारे में चर्चा करने के बारे एक शिकायत प्राप्त हुई है। इस बारे में हर पहलू पर जांच की जा रही है।